गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष गुप्ता फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपना पॉलिटिकल थ्योरी बुक से लिया गया है। अब मीन्स द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम आजादी। अब आजादी का जो मीन्स है डेट इज डिफरेंट, किससे अलग अलग जो सोशल फिलोसफर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, सबने इसका मतलब अपने अपने तरीके से निकाला। सबसे पहले आजादी फ्रीडम फाइटर्स से इस पर चालू हुई, तो नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में, साउथ अफ्रीका के एक फ्रीडम फाइटर के रूप में लिया जाता है। और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के अंदर वही प्लेस प्रोवाइड है जो कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को है। तो फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका स्पेंट 28 इयर्स इन ए जेल टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके एक अपनी पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के लीड किया था। तो नेल्सन मंडेला के साथ में उनके जो 7 अदर्स लीडर्स थे उनको भी उनके साथ में जेल के अंदर डाल दिया गया। 28 साल तक वो जेल के अंदर रहे। जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी अपार्थाइड के अगेंस्ट के अंदर उन्होंने स्ट्रगल चालू किया था जो कि रेशियल बेसिस के ऊपर था, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम इन साउथ अफ्रीका मेनली 3 काइंड्स ऑफ कम्युनिटी वर देयर, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल। ब्लैक पीपल आर इन मेजोरिटी, वाइट पीपल इन माइनॉरिटी, बट दे रूल्ड ऑन द मेजोरिटी पीपल। और कई तरह के उनके ऊपर टॉर्चर उनको किया जाता था, कई तरह से उनको परेशान किया जाता था। अल्टीमेटली जब नेल्सन मंडेला को 28 इयर्स बाद में जब जेल से वो बाहर निकले तो साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डेवलप हुआ था। सेकंड एग्जांपल इसने दिया आंग सान सू की, ये भी एक म्यांमार की लीडर थी, एक मेजोरिटी के बेस के ऊपर डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के आई थी, लेकिन जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। आगे जाकर के इन्होंने भी अपने कंट्री को एक तरह से फ्री कराया और वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कराई। आफ्टर देन उनको एक पीस का नोबेल प्राइज भी इससे ही मिला था। तो एक वो पर्सन है जो कि आइडल्स माने जाते हैं फ्रीडम के लिए। अब आता है हमारा व्हाट इज फ्रीडम। तो फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। यानी फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव ना हो, आप अपने तरीके से अपने व्यूज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को डेवलप कर सके, आपके ऊपर कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। तो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ शी और ही इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल। यानी उसके अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मीन्स कोई भी पर्सन जो चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आए बिना अपने डिसीजन खुद ले सके और अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके। और जो उसके डिसीजन होंगे वो भी कैसे होंगे? ऑटोनोमस। यानी उसके ऊपर किसी भी पर्सन का, अदर्स गवर्नमेंट का या सोसाइटी के किसी डोमिनेंट ग्रुप का कोई प्रेशर नहीं हो, उसको क्या बोला गया है? फ्रीडम। तो फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल।
यानी पर्सन आजादी का मतलब ही क्या है कि पर्सन अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने व्यूज को, अपने डिसीजंस को, उसके जो आइडियाज हैं उसको वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। अब फ्रीडम के जो टू एस्पेक्ट्स, पहला जो दिया एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, यानी बाहर का उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट, यानी वो और जो कंडीशंस वहां पर मौजूद है उसके अकॉर्डिंग वो अपने टैलेंट को क्या कर सके, डेवलप कर सके, उसको एक्सपेंड कर सके, और किसी भी सोसाइटी का या डोमिनेंट ग्रुप का कि बिना किसी तरह का उसके ऊपर कोई प्रेशर फील ना हो। ए फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच एनेबल्स ऑल इट्स मेंबर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट, बिना सामाजिक बाधाएं लगाए हुए, बिना कोई किसी का इंटरफेरेंस करे हुए, कोई भी पर्सन अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपनी टैलेंट को क्या कर सकता है, डेवलप कर सके। यानी जो उसके अंदर एबिलिटी है उस एबिलिटी को वो सोसाइटी के सामने ला सके। नो इंडिविजुअल लिविंग इन ए सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन। अब ये माने कि भाई कोई भी पर्सन जो वहां पर है सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट ही नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं हो, कोई सामाजिक बाधाएं ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिस समाज सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर नेचुरली रेस्ट्रिक्शंस तो कई सारे लगे हुए रहते हैं, और हमें उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी आइडियाज को, अपने व्यूज को। तो इट बिकम नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव्ड। तो यानी ये भी देखा जरूरी है, यानी सोशल कंस्ट्रेंट तो होगा क्यों, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो कौन सा सोशल कंस्ट्रेंट सही है, कौन सा गलत है, किसी को किसको हम एक्सेप्ट करें, किस सोशल कंस्ट्रेंट को अपन रिजेक्ट करें या उसको हटाएं, ये सारी चीजें पर्सन को खुद को तय करनी होती है। टू बी फ्री मींस टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट्स अवर एबिलिटी टू मेक चॉइस फ्रीली। तो यहां पे कह रहा है कि यानी जो सोशल कंस्ट्रेंट है उनको कम से कम किया जाए, जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर न लाया जाए और उसके बेस के ऊपर वो पर्सन अपनी चॉइसेस को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर पाए, दैट इज फ्रीडम। तो देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, दूसरा उसने क्या बताया, इट अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, बी इन स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा। यार दूसरे फ्रीडम का मतलब उसने क्या बताया कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, अब वो चाहे स्पोर्ट्स में है, साइंस के अंदर भी हो सकती है, आर्ट्स में भी हो सकती है, म्यूजिक में भी हो सकती है, जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है उसको आगे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर जबरदस्ती का फोर्सफुली का लगाया जाए। आज मान लो किसी पर्सन की कोई स्टूडेंट है, उसकी इच्छा है कि भाई मेरे को एक अच्छा प्लेयर बनना है, हॉकी प्लेयर बनना है, पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, इन्हें तू पढ़ाई कर, इन्हें तुम पढ़ाई करो, तो एक तरह से जो एक्सटर्नल जो उसका ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी सेंसिबिलिटी है, उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डेवलप होने दिया जाए। तो ए फ्री सोसाइटी इज वन दैट एनेबल्स वन टू प्रस्यू वंस इंटरेस्ट विद ए मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट, यानी जो उसके ऊपर कम से कम रुकावटें लगाते हुए उसके इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने दिया जाए, उसी चीज को क्या बोला गया है, एक फ्री सोसाइटी का नाम दिया गया है, यानी जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला गया हो। अब द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल है या कोई पर्सन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन आते हैं किसके थ्रू आएगा, या तो कोई ग्रुप
जो पूरी सोसाइटी को वह डोमिनेट कर रहा है उसके थ्रू आएगा, या फिर जो एक्सटर्नल कंट्रोल हो रहा है उसके थ्रू आएगा। सच रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज्ड बाय फोर्स और दे में भी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है, जो डोमिनेंट ग्रुप है वो फोर्सफुली भी उसको इम्पोज कर सकता है और गवर्नमेंट भी उसको क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। किसके थ्रू? लॉ बना करके, जिसके अंदर की जो रूलर है वो अपनी पावर का यूज में लेकर के उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपने रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है और फोर्स के बेस के ऊपर उनको एक्सेप्ट भी करवा सकता है। तो इफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक वन, द मेंबर्स ऑफ ए स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर। अब गवर्नमेंट जो है ये भी कई तरह की गवर्नमेंट है, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर जो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स हैं या जो गवर्न कर रहे हैं कंट्री के ऊपर, उनके ऊपर कंट्रोल किसका है? पीपल का है। तो उसके बेस के ऊपर मेंबर्स ऑफ ए स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर, यानी अपने रूलर के ऊपर वो अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो डेट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। यानी इसके बेस के ऊपर क्या बताया गया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख रही है फ्रीडम ऑफ द पीपल पे। लेकिन बट कॉन्स्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटी। अब फ्रीडम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, किसके थ्रू आ सकती है? वो सबसे पहले आया इसलिए सोशल इनइक्वलिटी, समाज के अंदर जो असमानताएं फैली हुई है। अब वो किस बेस के ऊपर हो सकती है? आपकी कास्ट सिस्टम के बेस के ऊपर भी। ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है। द ग्रुप विच बिलोंग्स टू लोअर कास्ट कैन नॉट डू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, चाहे उस पर्सन को उसके अंदर नॉलेज है लेकिन उसके ऊपर सोशल इनइक्वलिटीज क्रिएट हो रही है, या फिर विच मे रिजल्ट फॉर द एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन ए सोसाइटी। कोई गरीब आदमी है वो ये काम नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर भी है जो कई तरह के प्रॉब्लम्स या जो रुकावटें हैं वो सामने आती हैं। अब आता है हमारा कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, जरूरत क्या है कॉन्स्टेंट की? तो वी नीड सम कॉन्स्टेंट और ए सोसाइटी वुड डिसेंड इन टू चाओस। यानी अगर आप बिल्कुल पूरी सोसाइटी को बिल्कुल एक तरह से क्या छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, तो एक तरह से क्या होगा, वायलेंस भी क्रिएट हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो ये तो जरूरी है कि जो सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर सोसाइटी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई भी पर्सन है जो एक अपने आप को डिक्टेटर बन सकता है और सोसाइटी के ऊपर चाओस वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो डिफरेंसेस में एग्जिस्ट बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज एंड ओपिनियन, दे मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन, दे मे कंपीट टू कंट्रोल स्केर्स रिसोर्सेज। अब डिफरेंसेस किस बेस के ऊपर हो सकते हैं? अब सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप के लोग रह रहे हैं, उनके अपनी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है और उनके जो एम्बिशंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उस बेस के ऊपर वो एक दूसरे को कंपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, या फिर जो पावरफुल पीपल हैं विच कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा ग्रुप जिसके पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं है वो उनसे रिसोर्सेज लेने की कोशिश करेगा या शेयर करेगा। तो अल्टीमेटली इस चीज को लेकर के भी क्या हो सकता है, चाओस वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस रेंजिंग फ्रॉम द सीरियस टू द ट्राइबल। अब ये जो लोग जो आपस के अंदर सोसाइटी के ऊपर के अंदर जो रह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो जाते हैं, किस बेसिस के ऊपर? कोई जरूरी नहीं कोई गंभीर मुद्दों के ऊपर ही हो, कभी कभार हम कैसे छोटे मोटे तुच्छ मुद्दे होते हैं फालतू के, उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे।
तो इसलिए भी ये जरूरी है। तो देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट। बिल्कुल यही है। तो हर एक सोसाइटी के अंदर उसको कंट्रोल करना है, डिस्प्यूट को सोल्व करना है, उनके लिए बीच में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो आइडियली इन ए फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यूज, डेवलप आवर ऑन रूल्स ऑफ लिविंग एंड परस्यू ऑन चॉइस। तो यानी फ्री सोसाइटी क्या है? जिसके अंदर हम हमारे व्यूज को डेवलप कर पाए, डेवलप आवर ऑन रूल्स ऑन ऑफ लिविंग। जहां हम रह रहे हैं वहां पर हमारे खुद के अपने रूल्स हो और अपनी चॉइस के हिसाब से हम हमारे वर्क को कंप्लीट कर पाए, हम हमारे वर्क को पूरा कर पाए और अपने इंटरेस्ट को भी साथ में डेवलप कर पाए। उसको क्या बोला गया है? फ्री सोसाइटी। अब क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी रिक्वायर्ड दैट वी विलिंग टू ए रेस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ व्यूज ओपिनियन ए बिलीव। अब क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी यानी इस टाइप की जो सोसाइटी क्रिएट होती है, तो हमें दूसरे जो पर्सन है उसके व्यूज का, ओपिनियन का, उसके बिलीफ का एक रेस्पेक्ट करना होगा। यानी अपनी जो विल है उसको जबरदस्ती हम दूसरे के ऊपर इम्पोज ना करें। समटाइम्स एन इंडिविजुअल कैन थिंक दैट ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू अवर बिलीफ्स रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट अपोज ऑल दोज हु डिफर फ्रॉम और रिजेक्ट अवर व्यूज। तो कई बार जो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन है सोचता है इस चीज को लेकर के कि भाई अगर हम हमारे बिलीफ को स्ट्रांग करना है, हमारी मान्यताओं को हमें स्ट्रांग करना है, अपने धर्म के बारे में हम कुछ ज़्यादा कट्टर बनना है, तो हमें दूसरों के धर्म को या उससे बिल्कुल अलग सोचना होगा और उसको अपोज करना होगा या फिर उसको रिजेक्ट करना होगा। वी सी देयर व्यूज और वेज ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन अनडिजायरेबल। तो जो दूसरे पर्सन है जो अलग कम्युनिटी के बिलोंग कर रहे हैं उनके हम तौर तरीकों को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये जो तौर तरीके जो पर्सन वहां पर रह रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, हमारे लिए अनडिजायरेबल है, हमारे लिए वो अनएक्सेप्टेबल है। तो इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन टू एंश्योर दैट डिफरेंसेस मे बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड विदाउट वन ग्रुप फोर्सिबली इम्पोजिंग इट्स व्यूज ऑन द अदर। तो इस प्रकार की सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या जरूरत है कि जो पर्सन वहां रह रहा है उसके ऊपर या कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल वेज बनाने की जरूरत है, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स लगाने की जरूरत है। क्यों? डेट डिफरेंसेस में भी डिस्कस्ड, यानी अलग अलग सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं व्यूज में, ओपिनियन के अंदर, उनके ऊपर एक हेल्दी डिबेट हो, डिस्कस उनको किया जाए और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर जबरदस्ती अपने रेस्ट्रिक्शंस को या अपनी विल्स को इंपोज ना करें। अब हार्म प्रिंसिपल, तो मिल ने इसको एक तरह से आजादी को एक नुकसानदायक बताया। उसके हिसाब से क्या बोला उसने कि जॉन स्टॉट मिल इज ऐसे, उसने एक ऐसे लिखा था लिबर्टी के ऊपर जिसको कि पॉलिटिकल थ्योरी नाम दिया गया द हार्म प्रिंसिपल। अब मिल इंट्रोड्यूस हियर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, यानी जो उसने डिफरेंसेस को बताया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दोज एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स। यानी एक तो डिफरेंस जो आदमी जो काम करता है उसका इंपैक्ट केवल उसी के ऊपर ही पड़े, उसका रिजल्ट केवल उसी के ऊपर ही फील हो, और दूसरा उसने बताया कि जो पर्सन जो काम कर रहा है या जो उसने वर्कआउट किया है उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा हो। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। अगर खुद के ऊपर पड़ रहा है तो ऑब्वियसली अगर उसकी लाइफ उससे अफेक्टेड होगी, लेकिन उसके किए हुए कामों का इंपैक्ट अगर पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट उसका उससे पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होगी।
तो ही आर्ग्यू डेट विद रेस्पेक्ट टू एक्शन और चॉइसेस डेट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन द स्टेट एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उस काम के ऊपर अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसका इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ रहा है, तब तो जो गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई वो लगाए। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसका कि इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर अपनी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को इम्पोज करे। तो फ्रीडम इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मेन चीज मानी गया है। इज सो क्रूशियल फॉर ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, इट शुड ओनली बी कंसंट्रेटेड इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें ये कह रहा है कि इतनी ज्यादा क्रूशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए कि यानी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इसके ऊपर कुछ बेल लगाना चाहिए। यानी बेल लगाने की तो बात ही एक तरह से क्या है, गलत बोली गई है। इसको बिल्कुल पर्सन को सोसाइटी को बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए। यानी छोटा मोटे हार्म के ऊपर बात करें तो मिल्स रिकमेंडेड ओनली सोशल डिसअप्रूवल। यानी अगर कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है तो उसके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शन न लगाए जाए, केवल उसके ऊपर एक तरह से सोशल डिसअप्रूवल उसके ऊपर जाहिर कर दी जाए। आज मान लो कोई पर्सन इंटरकास्ट मैरिज करता है, अब वहां पर सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन लीगली तो वो जाएगा अगर उसने कराया तो। लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहां पर अगर आपको नहीं है तो आप अपनी सोशल डिसअप्रूवल कह सकते हो उसके ऊपर। तो पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर्स। यानी आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो आप जो अलग अलग लाइफ के जीने के तरीके हैं, सोच का तरीका है, अलग अलग आपके इंटरेस्ट हैं, उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। दूसरे के उनको जो व्यूज हैं उनको रेस्पेक्ट देना होगा। लेकिन सच टॉलरेंस नीड नॉट टू बी एक्सटेंडेड टू व्यूज एंड एक्शन विच मे पुट पीपल इन डेंजर फ्रॉम एंड हेटर्ड अगेंस्ट देम। यानी ये आप सहन करें, दूसरे को रेस्पेक्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसके ऊपर भड़काऊ बयानबाजी कर जाए और आप उसको टॉलरेट ही करते रहे जिससे कि एक सोसाइटी खतरे में पड़ जाए, उस जगह के ऊपर आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफिएबल कॉन्स्ट्रेंट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये माना गया है कि जो चीज बिल्कुल सही है उसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने जरूरी है। द रेस्ट्रिक्शन मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन। यानी हर एक पर्सन अपने आप को एक रीजन के बेस के ऊपर डिफेंड कर सके, नॉट एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, सिंस देन इट वुड बी इम्पेंस ऑन द जनरल कंडीशन ऑफ फ्रीडम सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं आराम से वो रह सके, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रुकावट ना हो, ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हो, ना कोई बाहर का प्रेशर हो, अपने तरीके से अपनी सोसाइटी को वो डेवलप कर पाए। अब आगे आता है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अरे अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यहां पे क्या, नेगेटिव थॉट्स उसने अलग बताए हैं और पॉजिटिव थॉट्स उसने अलग बताए हैं। तो यहां पर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी को बताया, इसलिए नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो सबसे पहले आता है हमारा नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल्स वुड बी इनवायबल विच ही और शी could do, be or become whatever he or she wish to do, be or become। एंड नेगेटिव लिबर्टी के अंदर क्या बताया कि एक डेफिनेटली जो पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो बहुत जरूरी है उसके फ्रीडम को रखना। वो क्या बनना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है बनने की, उसके ऊपर आप जबरदस्ती अपना अंडर प्रेशर डाल दें, एक्सटर्नल फोर्सेस डाल दें और उसको आगे नहीं डेवलप होने देना उसकी चॉइस के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। This is an area
इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, यानी जिसके अंदर बाहर का कोई आपका इंटरफेयर नहीं करे। इट इज ए मिनिमम एरिया दैट इज स्केयर्ड एंड इन विच वट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी द इंटरफेयर्ड विद। उसके जो करना चाहता है वो करे, उसके ऊपर किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना हो। द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवायबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है अपने तरीके से अपने वो डिसीजन ले सके, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रोकथाम ना हो। और अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो ह्यूमन डिग्निटी को भी आपस के अंदर एक क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। तो इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अ पॉजिटिव लिबर्टी। अब इसके अंदर कह रहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन ए सोसाइटी एंड हेंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वेयर एज नेगेटिव लिबर्टी ओनली कंसर्न विद द इनवायबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉट विद द कंडीशन इन सोसाइटी आउटसाइड द एरिया एज सच। यानी अब पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर बताया, यानी जो सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उससे बाहर का एरिया नहीं है। यहां पर ये कह रहा है कि ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जहां पर उस पर्सन का खुद का अपना डेवलपमेंट हो, वह अपने डिसीजन ले सके, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो और उसके लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाए जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। पॉजिटिव लिबर्टी इज कंसर्न्ड विद लुकिंग एट द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी एक आप अकेले रह रहे हैं, आपका एक्ट के ऊपर आपका इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आपका ही एक्ट के ऊपर आपकी सोसाइटी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सोसाइटी से इंडिविजुअल को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन है। एंड ऑफ इंप्रूविंग दीज कंडीशन such that there are fewer constraints to the development of the individual personality, yani kam se kam constraints lagaye jaye jisse ki us person ki personality ko kya kiya ja sake, develop kiya ja sake, wahan par wo person apne tarike se jo existing condition hai uske base ke upar apne decision le sake। The individuals to develop his or her capability must get the benefits of enabling पॉजिटिव कंडीशन इन मेटेरियल पॉलिटिकल सोशल डोमिनेट। तो यहाँ पे कह रहा है अगर वो पर्सन फ्री है, अपनी पर्सनैलिटी को उसने डेवलप किया है, तो उसका बेनिफिट केवल अकेले को नहीं मिलेगा, पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और वो कंडीशन उसके उसके ऊपर मेटेरियल यानी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, सोशल डोमेन के अंदर भी उसका प्रभाव नजर आ सकता है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया किससे रिलेटेड है, बिल्कुल फ्रीडम से रिलेटेड है। जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, बट इट कैन हैपन दैट टायरेंट्स जस्टिफाई द रूल बाय इनवोकिंग आर्गुमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब डेफिनेटली लिबर्टी जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो जो टायरेंट्स ग्रुप है, जो आतंकवादी वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं, वो उसका क्या कर सकते हैं, कोई मिसयूज कर सकते हैं, उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना एक तरह से जरूरी है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट। फ्रीडम का मतलब यहां पे क्या बताया, एक फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस, यानी कई सारी जो परेशानी है उन सबको हम बियर करते हैं, और जो लोग हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट, वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग है, यानी जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं हम, वहाँ पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरह की कंडीशन सामने आती है। वाइल रिफ्लेक्शन ऑन सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज डेट वेन कॉन्स्टेंट्स आर बैक्ड बाई ऑर्गेनाइज सोशल रिलीजियस कल्चरल अथॉरिटी और बाई द
might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against. अब जो सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहां पर उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है. अब ये जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनको अगर ऑर्गेनाइज सोशल रिलीजियस कल्चरल अथॉरिटी के थ्रू बैकअप मिल जाए, सपोर्ट मिल जाता है, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको सही बता दिया जाता है, राइट ऑफ द स्टेट, दे रेस्ट्रिक्ट अवर फ्रीडम इन वेज डेट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, तो डेफिनेटली इनके बेस के ऊपर हमारी जो फ्रीडम है उस पर कुछ कंट्रोल तो होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इग्नोर कर दें या उसके अगेंस्ट के अंदर कोई मूवमेंट चला दें. तो कहने का मतलब ये क्या है, उसके अगेंस्ट के अंदर फाइट करना भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. सो फ्रीडम एम्बॉयड आवर कैपेसिटी आवर एबिलिटी टू मेक चॉइस, यानी फ्रीडम के बेस के ऊपर हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी चॉइस है, हमारे इंटरेस्ट हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. We have also accept responsibility for our actions and their consequences. अब आप जो काम कर रहे हैं साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसकी भी हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहना चाहिए. उसके रिजल्ट क्या होंगे उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेने को तैयार होना चाहिए. तो इट इज फॉर दिस रीजन डैट मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन डैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स. तो इसके बेस के ऊपर ये क्या कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस चीज की सिफारिश करते हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम की, टू मेंटेन डैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स, यानी जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की देख रेख के अंदर ही अपने आप को क्या करें, डेवलप करें, जिससे कि नेगेटिव चीजों का उनके ऊपर इंपैक्ट कम से कम पड़े. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपके इस चैप्टर में समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दोबारा मिलेंगे.